साइंस फॉर स्टैंडर्ड थर्ड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको आज से फॉलोइंग क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर वन के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर वन है, डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं, नेचुरल थिंग्स, मैनमेड थिंग्स, साइंस ऑर्गन एंड प्रोडक्शन, आपको इन्हें डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन देनी है। ओके, सो हम सबसे पहले लेंगे नेचुरल थिंग्स। व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स क्या होती है? नेचुरल थिंग्स में होता है प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक द्वारा, जानते हो आप लोग नेचर जो प्रकृति द्वारा बनी है। जैसे हम पहले इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, दोज थिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय नेचर, वो थिंग्स जो हमें नेचर द्वारा, जो नेचर द्वारा हमें दी गई है, उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ओके, सो आप पहले, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको अच्छे से समझ लो, क्या है? दोज थिंग्स दैट आर गिवन टू अस, वो चीजें जो कि आर गिवन टू अस, हमें दी गई है बाय नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति द्वारा, वो चीजें जो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ओके, सो नेचुरल थिंग्स में क्या होता है? प्राकृतिक चीजें। सो हमने इसका तो आपको डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशन इसकी दे दी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मैनमेड थिंग्स। व्हाट आर मैनमेड थिंग्स? मैनमेड थिंग्स क्या होती है? सो मैनमेड थिंग्स में होगा, मैनमेड थिंग्स दोज थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन, वो चीजें जो मैन द्वारा बनाई गई है आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स, उन्हें हम मैनमेड थिंग्स कहते हैं। सो जो चीजें बाई नेचर बनाई गई है वो नेचुरल थिंग्स हो गई, एंड जो मैन द्वारा बनाई गई उन्हें मैनमेड थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स है, माउंटेन है, रॉक्स है, ये सब किसने बनाए? मैन ने बनाए? नहीं ना, ये बाई नेचर बने हैं तो उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहेंगे। एंड जो आप चेयर, टेबल, बैग एंड घर में और भी सारी चीजें, मशीन होती है, ड्रेसेस यानी कपड़े होते हैं, वो सब मैनमेड थिंग्स। ओके, एंड आज मैंने आपको ये टू तो एक्सप्लेन कर दिए, टू और है।